प्रिय छात्र, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। जो हमारा जो लेक्चर है ये हमारा पूर्ण संख्या का विभाजन पे पूरा है, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स, ठीक ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाज, भाजक, भागफल, शेषफल के बारे में। तो इससे पहले हम पिछले जो लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं उसे थोड़ा रिकॉल कर लिया जाए, उसे याद कर लिया जाए। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्या का जोड़, पूर्ण संख्या का गुणा, पूर्ण संख्या का घटाव। इन तीनों के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि अभी तक हमें कोई परेशानी तक अभी तक हुई नहीं है। तो ये जो हमारा जो पूरा चैप्टर है ये है पूर्ण संख्या पर चार आधारभूत संक्रियाएं हैं, जिसमें कि तीन संक्रियाएं हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। अब हमारा चौथा जो लास्ट है वह है हमारा पूर्ण संख्या का विभाजन, डिवीजन ऑफ होल नंबर। तो शुरू करते हैं। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को यदि अच्छी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि किसी संख्या डी को डी से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल और शेषफल क्रमशः क्यू व आर हो, तब हम क्या करेंगे। तो ये पहले हम फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे भाजक, ठीक ना, भाजक। फिर हमारा ये है भाज्य और ये हमारा है भाग फल और यहाँ पे जो हमें जो रिमाइंडर बचता है मीन्स शेषफल। मच्छर को भी अभी आना था। फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या डी को डी से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल और शेषफल क्रम से क्यू व आर हो, तब तो हमारा भाजक जिससे हम भाग देते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं वह हमारा भाज्य कहलाता है और जो हमारा जो भागफल है, जो मतलब भाग देने पे जो प्राप्त होता है वह भागफल प्राप्त होता है, तो ये हमारा भागफल है। और जो शेष बच जाता है, जो भागफल के अलावा जो हमारा शेषफल होता है वह मतलब भाग दिए जो संख्या लास्ट में बजाती है वह हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो इसमें कि यहाँ पे कहिएगा डी, ये भी डी है, तो चलिए इसके बारे में बढ़िया से पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। तो डी बराबर, फिर हमारा छोटी डी है, बड़ी डी था एक, छोटी डी है, फिर हमारा क्यू है, फिर हमारा एक आर है। यही चार चीज पे जो है ना हमारा क्वेश्चन हल होगा, जितना भी अभी तक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है इसी चार चीज पे ही निर्धारित है हमारा ये लेक्चर। तो पहले तो हम डी को हम क्या बोलते हैं, भाज, बड़ी डी को क्या बोलते हैं, भाज, और छोटी डी को भाजक, मीन्स जिससे हम भाग देते हैं और हमारा जो भागफल है ये, ठीक ना, और फिर हमारा ये शेषफल है। तो हमारा डी बराबर, बड़ी डी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो इसे भी जैसे इस तरह से लिखे हैं इसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं एक बार हम लोग। डी से हम यदि भाग दे रहे हैं तो डी को छोटी डी से ना भाग देते हैं, छोटी डी, डी, फिर हमारा ये क्यू और ये हमारा यहाँ पे आर बच जाता है, जो भी हम करते हैं ये हमारा क्या है, शेषफल, ये हमारा है भागफल, ये हमारा है भाज्य और ये हमारा है भाजक, क्या है, भाजक। तो इसे कॉपी में उतारना है, इसे ऐसे ही नहीं सिर्फ छोड़ देना है लेक्चर दे करके, इसमें कॉपी में बढ़िया से रफ करना है, नहीं तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। तो फिर इसे हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यदि हमें भाज निकालना हो और हमें भाज निकालना हो तो भाजक भागफल प्लस शेष, मतलब भाजक गुना भागफल करेंगे तो हमें, और जो शेष को जो बचा हुआ रहता है उसे जोड़ना है। तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसमें भी छात्र कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो हमें अच्छी तरह से याद रखना होगा, नहीं तो हम लोग बहुत जगह पे हम लोग गलती कर सकते हैं। जैसे पहला जीरो हमेशा सभी में आ रहा है, जीरो हमें जोड़ में भी आया, घटाव में भी आया और गुना में भी आया। गुना में यदि हम जीरो से गुना करते हैं किसी संख्या में तो क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है, नहीं वह संख्या प्राप्त नहीं होती है, उसमें हमें जीरो प्राप्त होती है, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो किसी संख्या से गुना करेंगे तो वो हमारा जीरो ही कहलाएगा। उसी तरह से हमारा भाग है, तो जीरो को किसी भी संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल भी जीरो ही होता है,
यदि हम जीरो को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल जो प्राप्त होगा वह हमारा क्या होगा, जीरो प्राप्त होगा। जो भी किसी भी संख्या को ले लें, 93 को ले लें, फिर हमारा जीरो प्राप्त होगा। ये मच्छर फिर से आया, ठीक ना। तो दूसरा पॉइंट है, किसी संख्या को जो हम पॉइंट जो बताते हैं तो उसे कॉपी में नोट करके लिखना है। इसे तो हम सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन आप लोगों को कॉपी में नोट करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक ना। किसी संख्या को जीरो से भाग करने पर भागफल क्या प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, पहला तो हमारा देखिए इम्पोर्टेंट था यहाँ पे हमारा ये कि किसी भी संख्या में किसी मतलब किसी संख्या से हमें जीरो में भाग देंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटी। क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटी मीन्स अनंत, इसका जिसका कोई अंत ही ना हो, क्योंकि जीरो से कभी भी कोई संख्या में भाग लग ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो तक जीरो का कोई मान ही नहीं है तो जीरो का भाग लगेगा कैसे। इसलिए जीरो से यदि हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह हमारा इन्फिनिटी कहलाता है, ठीक ना। तो फिर है हमारा तीसरा जो पॉइंट है, विभाजन और गुणन एक दूसरे के विपरीत क्रिया है। जो हमारा विभाजन और गुणन है एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। जैसे यदि जैसे चलिए एग्जाम्पल के तो, मतलब एक एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे क्वेश्चन को। यदि पहले हम a गुना b करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, m प्राप्त होगा। यदि a गुना b करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, m, ठीक ना। तब यदि हमें a निकालना हो तो या तो b निकालना हो तो यदि हमें a निकालना हो तो या तो b निकालना यदि हमको a निकालना हो तो ये गुना में रहता है तो हम जानते हैं कि बराबर के उस पार जाता है तो इक्वल टू के साइन के उस पार जाएगा, तो कोई भी तो यदि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो एम बाय बी। फिर उसी तरह से जब हमें बी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एम बराबर ए कर देंगे, ठीक ना। तो इतना दूर तक तो हम लोग नीचे क्लास में भी हम लोग फोर्थ क्लास में ही पढ़ेंगे ये सब चीज़ के, बराबर के उस पार ले जाने पे क्या होता है नहीं होता है ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने थ्योरी के हिसाब से पढ़ा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा पेपर ऊपर कर लिया जाए तब साफ साफ दिखेगा, बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 8 × 4 = 32। तो हमें ये निकालना है, यदि हमको ये 4 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो 32/8 कर देंगे तो हमारा 4 प्राप्त होगा, 8 × 32। यदि हमें 8 प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 8। तो ये जो है जो हमारा उद्देश्य, मतलब ये बताने का जो हमारा उद्देश्य है यही है कि विभाजन और गुणन एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएँ हैं, विभाजन और गुणन एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएँ हैं। तो हम अब एग्जाम्पल के एग्जाम्पल से अब समझेंगे क्या क्या, ठीक ना, पढ़ना है अभी। हमारा जो एग्जाम्पल है फर्स्ट कहता है, किसी प्रक्रिया में भाजक भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32, 222 तथा 84 हैं तो भाज बताएं। तो हम जानते हैं भाज का फॉर्मूला भी ऊपर में हम पढ़े थे। तो भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जो हमारा शेषफल है वो। तो हमें भाजक कितना दिया गया, कहता है पहला जो शुरू जिसे क्वेश्चन में देखना है जिस तरह से ये दिया जाता है उसी तरह से संख्या भी लिखा जाता है, भाजक बराबर 32, भागफल बराबर 222, शेषफल बराबर 84। तो भाजक हमारा कितना है, 32 गुना भागफल कितना है, 222 प्लस शेषफल हमारा कितना दिया गया, 84। जब हम इसे गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त जो संख्या होगी, इस दोनों को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7104, और इसे 84 जोड़ देंगे। हमने पहले से गुना करके रखी है साइड में इसलिए, तो हमें डायरेक्ट कर दिए और आप लोग अपना गुना करके लिखेंगे, ठीक ना। तो 7100 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 7188 हमें प्राप्त होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, किसी प्रक्रिया में भाजक भागफल तथा शेषफल क्रम से 32, 222 तथा 84 है तो भाज बराबर क्या होगा। तो भाज बराबर हमने सूत्र अभी पढ़ा था, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, इससे हमारा जो क्वेश्चन रहता है हमेशा नवोदय विद्यालय में एक ना एक क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में रहता है, ठीक ना। तो इतना भाजक भाज ये लिखने की जरूरत नहीं है, यदि हम उसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक भी लिखना है। जैसे भाज बराबर क्या बताए थे, डी बताए थे, और छोटी भाजक बराबर डी इंटू भागफल बराबर क्या बताए थे, क्यू, फिर हमारा जो शेषफल था क्या था, आर। तो डायरेक्ट हम ये लिख करके भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन हल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देखेंगे उसके बाद। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, कहता है क्वेश्चन में
3336 को 24 से विभाजित करना है। कितना से करना है? विभाजित करना है। तो इसको डायरेक्ट अभी तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो हमारा 63 है तो 24 दुनी 48, 24 दिया 72, तो 24 दुनी 48 दो बार में खाएगा तो हमारा जो यहाँ पे बचेगा 13, यहाँ 3 से तो 8 में घटेगा नहीं, तो 13 8 जब हम इसे पचाएंगे तो 13 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे कितना है 5 में से 1, फिर हम 3 उतारेंगे तो उसके बाद जो हमारा 6 बार में खाएगा 24 चक 144, तो जब हम इसे कटाएंगे ये कट गया ये हमारा पे तो 96 बचेगा, फिर हमें 2400 क्या होता है 96, तो ये 96 हमारा ये कट गया। तो जो हमारा जो आंसर है तो यहाँ पे हमारा भागफल कितना प्राप्त हुआ, हमें भागफल ही निकालने बोला गया था। तो यहाँ पे नीचे में हमें इस तरह से क्वेश्चन में लिखना होगा, इसी तरह से बनाना, अतः अतः अभीष्ट भागफल 264 है। चलिए हमने आज दो एग्जांपल के माध्यम से हमने इस लेक्चर को ख़त्म करना है, ठीक ना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विभाज्यता के बारे में, इसी में पढ़ना था लेकिन ये जो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक ना। तो अगले जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे विभाज्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तक हमने व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम सिर्फ पिछले अध्याय में सिर्फ प्राकृतिक संख्या, भाज संख्या, भाज संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और कर्मागत संख्या पे हमने अभी तक कम से कम 200 क्वेश्चन अभी तक करवाया है, जिसमें कि 200 क्वेश्चन और बना के रखे हैं, 200 क्वेश्चन और बनवाना है उसी में, जो किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। इसी तरह से हम इस चैप्टर में भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जो किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा जो व्हाट्सएप पे जो पढ़ने का टाइम है वो हमारा है 4 से लेकर के शाम 7 बजे तक। 4 से हम रीजनिंग पढ़ते हैं, 5 से हम गद्यांश या हिंदी पढ़ते हैं और हमारा जो 6 से हमारा जो टाइम है मैथमेटिक्स पढ़ने का टाइम है। तो अभी तक जो भी ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं क्लास करने के लिए। क्लास करेंगे तो इतना मन लगेगा उस क्लास में, जो जितना वीडियो में मज़ा नहीं आएगा उतना आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लास करने में जितना मज़ा आएगा। तो इसलिए वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, मैसेज करते हैं, तो बहुत सारा मतलब क्या बहुत मन लगता है पढ़ने में उस समय, तो पढ़ाने में मन लगता है और पढ़ने में हंस खेल के बच्चा पढ़ते हैं। तो आज तो जो अभी तक हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हुए वो ग्रुप में शामिल हो जाएं और हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।